यूनिट टू है वो डील करती है बेटा जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन को। जो आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से कहूं तो ये सबसे वेटेज वाली यूनिट है। इट अकाउंट ऑफ 18 मार्क्स टोटल इन प्लस टू बोर्ड एग्जाम। और इसमें टोटल 3 चैप्टर्स है बेटा। चैप्टर 5th जो है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस है। आज हम बिल्कुल जनरल आइडिया लेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस। चैप्टर 6 जो है बेटा मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। और चैप्टर 7 जो है बेटा वो इवोल्यूशन है। ये 3 चैप्टर अकाउंट होते हैं आपके यूनिट 2 में, जिसकी टोटल वेटेज कितनी है बेटा 18 मार्क्स। तो इसको हम 1 by 1 डिस्कस करने से पहले फटाफट आप लिखते जाएं कि जेनेटिक्स है क्या, कैसी ब्रांच है और ये किस चीज को डील करती है। तो यदि हम देखें तो जेनेटिक्स की टोटल 3 ब्रांच है बेटा, क्लासिकल जेनेटिक्स, मॉलिकुलर जेनेटिक्स एंड पॉपुलेशन जेनेटिक्स। आपके सिलेबस में मेनली 2 जेनेटिक्स है, क्लासिकल एंड मॉलिकुलर जेनेटिक्स। तो नाउ कम ओवर व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ जेनेटिक्स, या जेनेटिक्स अपने लाइफ साइंस की कैसी ब्रांच है, किस चीज को डील करती है। तो जेनेटिक्स टर्म किन्होंने कॉइन किया था, बहुत ही इंटरेस्टिंग यूनिट है बेटा। 1 by 1 हम यदि कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चलेंगे तो आपको मजा आएगा इस यूनिट को पढ़ने में। तो जेनेटिक्स टर्म फर्स्ट पॉइंट बाय ये टर्म सबसे पहले किन्होंने दी थी, बैटसन ने 1905। हालांकि फादर ऑफ जेनेटिक्स हम मेंडल को मानते हैं, लेकिन जो जेनेटिक टर्म है ये बाद में आई थी। क्लियर, बैटसन ने एंड फादर ऑफ जेनेटिक, आप लोग लोअर क्लास में भी पढ़ के आए हैं। फादर ऑफ जेनेटिक हम किनको बोलते हैं, फादर ऑफ जेनेटिक इज ग्रीगर जॉन मेंडल, जिनका एक्सपेरिमेंटल प्लांट था पी प्लांट। इन्होंने किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, पी प्लांट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। नाउ कम ओवर द ब्रांच ऑफ जेनेटिक्स को क्या है बेटा, क्लासिकल जेनेटिक्स। यू कैन राइट डाउन द ब्रांच ऑफ जेनेटिक्स, नंबर 1 क्लासिकल जेनेटिक्स। इट इज ऑल्सो सेड टू बी क्लासिकल जेनेटिक्स और इट इज ऑल्सो सेड टू बी ट्रांसमिशन जेनेटिक्स। नेम से क्लियर हो रहा होगा बेटा, ट्रांसमिशन का मतलब क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ ट्रेट, हाउ ट्रेट मूव फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। कि प्रोजेनी के अंदर ट्रेट्स कैसे आ रहे हैं, उनके पेरेंट्स से, उनके ग्रैंड पेरेंट्स से, उन सब की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, क्लासिकल जेनेटिक्स। और जो इसके कॉन्सेप्ट था सबसे पहले किन्होंने प्रपोज किया था, मेंडल ने प्रपोज किया था। इसीलिए इसको कई बार कुछ बुक में, पुरानी जो बुक है उसमें मेंडेलियन जेनेटिक्स के नाम से भी जाना जाता है, मेंडेलियन जेनेटिक्स, क्योंकि ये मेंडल के लॉस को फॉलो करती है, हालांकि कुछ डेविएशन भी है। तो क्लासिकल जेनेटिक्स किस चीज को डील करती है बेटा, इट डील्स विद द ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेट। यू कैन राइट डाउन ये किस चीज को डील करती है, तो इट डील्स विथ ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेट, जैसे हेयर कलर, आई कलर, हाइट, शेप, जो भी है ट्रेट्स है, डील्स विथ द ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेट्स फ्रॉम वन जेनरेशन टू अनदर। एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रेट कैसे ट्रांसमिट होते हैं, उस ब्रांच को हम क्या बोलते हैं बेटा, क्लासिकल और ट्रांसमिशन जेनेटिक्स। वो फुली यहां तक क्लियर होगा। तो आपका चैप्टर जो 5 है, आपकी इस सेकेंड यूनिट का जो चैप्टर 5 है बेटा, वो आपकी किसमें आती है, क्लासिकल जेनेटिक्स को डील करती है। किसको डील करती है, क्लासिकल जेनेटिक्स को डील करती है बेटा। नाउ द सेकेंड ब्रांच इज मॉलिकुलर जेनेटिक्स और बायोकेमिकल जेनेटिक्स। सेकेंड ब्रांच इज मॉलिकुलर जेनेटिक्स और बायोकेमिकल जेनेटिक्स।
ध्यान से देखें। अब यदि मैं आपसे कहूं कि जीन क्या होते हैं, तो जीन इज द यूनिट ऑफ हेरिडिटी विच अकाउंट ऑफ ट्रांसफर ऑफ ट्रेट फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर, कि जो कैरेक्टर ट्रांसफर हो रहे हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, उसको लेके कौन जाता है, जीन्स लेके जाते हैं। हालांकि मेंडल ने उसकी जगह पर टर्म यूज किया था फैक्टर, जो आगे हम डिस्कस करेंगे। तो क्लासिकल जेनेटिक्स किसको डील करती है बेटा, कि कैरेक्टर कैसे ट्रांसफर हो रहे हैं वन जनरेशन टू अनदर। अब बात आती है कि कोई कैरेक्टर एक्सप्रेस हो रहे हैं, जैसे मैं कहूँ कि फादर का हेयर कलर ब्लैक था, मदर का ब्राउन था, प्रोजेनी में ब्लैक हेयर कलर आया, तो ब्राउन क्यों नहीं एक्सप्रेस हो पाया, ब्लैक ही क्यों हुआ, तो उसके पीछे भी हम डोमिनेंट रिसेसिव का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। तो किस जीन ने अपने को एक्सप्रेस किया, इसका मतलब वो जीन कुछ ना कुछ तो बना रही है, कोई प्रोडक्ट बना रही है, कोई पिगमेंट बना रही है, कोई एंजाइम बना रही है। तो जीन अपने आप को एक्सप्रेस कैसे करते हैं, तो एक्चुअली में जीन होते क्या है बेटा, तो जीन्स आर सेगमेंट ऑफ डीएनए विच एक्चुअली पार्टिसिपेट इन ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन टू फॉर्म प्रोटीन्स। क्या बनाते हैं, प्रोटीन। तो जो भी जीन प्रोटीन बनाने की, पॉलीपेप्टाइड बनाने की टेंडेंसी रखते हैं, वही हेरिडिटी में पार्टिसिपेट करते हैं, और जो नहीं बना पाते दे रिमेन मास्क, दे रिमेन रेसेसिव कंडीशन, मास्क रहते हैं, छुपे हुए रहते हैं, अपने ट्रेड को ट्रांसमिट नहीं कर पाते, एक्सप्रेस नहीं कर पाते। तो मॉलिकुलर जेनेटिक्स एंड बायोकेमिकल जेनेटिक्स किस चीज को डील करती है बेटा, तो इट डील्स विद एक्सप्रेशन ऑफ जीन, इट डील्स विद एक्सप्रेशन ऑफ जीन और बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ जीन, जीन्स क्या बना रहे हैं एक्चुअल में। तो इट डील्स विद एक्सप्रेशन ऑफ जीन्स मीन हाउ जीन पार्टिसिपेट इन कैरेक्टर एक्सप्रेशन, और यू कैन कॉल ट्रेट एक्सप्रेशन। आगे मैं डिफरेंस बताऊंगी ट्रेट और कैरेक्टर में क्या डिफरेंस है। तो अपने आप में कोई जीन एक्सप्रेस कर रहा है तो वो क्यों कर रहा है, उस ब्रांच को हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स। तो इसमें ऐसा जीन ने क्या कहा बेटे, क्या किया, तो जीन पार्टिसिपेट इन सेंट्रल डोग्मा। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बेटा ये, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आते हैं आपके बोर्ड में भी, नीट एग्जाम में भी। तो इट पार्टिसिपेट इन सेंट्रल डोग्मा, हाउ कैरेक्टर मूव फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, कि कैसे ट्रांसमिट हुए कैरेक्टर, उसको हमने क्लासिकल जेनेटिक्स कहा। कैसे कोई जीन कैरेक्टर को एक्सप्रेस कर रहा है, क्योंकि वो किसमें पार्टिसिपेट कर रही है, सेंट्रल डोग्मा। ये सेंट्रल डोग्मा होता क्या है, मैं ऊपर लिख देती हूँ। डीएनए से इंफॉर्मेशन का फ्लो करना आरएनए, और आरएनए से अल्टीमेट क्या बनाना बेटा, प्रोटीन। ऑलरेडी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। डीएनए से डीएनए बनने की प्रोसेस को हम रेप्लिकेशन कहते हैं, डीएनए से आरएनए बनने की प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, आरएनए से प्रोटीन बनने की प्रोसेस को ट्रांसलेशन कहते हैं। तो जिस भी जीन ने प्रोटीन बनाया उसने अपने आप को एक्सप्रेस किया, और जो जीन प्रोटीन नहीं बना पा रहे हैं ड्यू टू एनी रीजन, उनको हमने नॉन एक्सप्रेस्ड और मास्क और रेसेसिव जीन कह दिया। तो आपने क्या देखा कि जीन कैसे बायोकेमिकली पार्टिसिपेट करते हैं कैरेक्टर एक्सप्रेशन में, बाय फॉर्मिंग प्रोटीन्स। और इस पूरी की पूरी जो मेन कॉन्सेप्ट है, प्रिंसिपल बिहाइंड जीन एक्सप्रेशन इज सेंट्रल डोग्मा, जिसके अराउंड पूरी की पूरी लाइफ मूव करती है। तो जो आपका चैप्टर नंबर 6 है बेटा, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, वो आपके किसमें आ जाएंगे। जो चैप्टर 5 है आपका वो क्लासिकल जेनेटिक्स पे बेस्ड है, चैप्टर 6 जो है वो मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स पे बेस्ड है, जीन के मॉलिक्यूलर लेवल पे, कि डीएनए से मिलके बना है, डीएनए अपने आप को कैसे एक्सप्रेस कर रहा है, एवरीथिंग। एंड द लास्ट वन इज पॉपुलेशन जेनेटिक्स। तीन ब्रांच बताई मैंने आपको, तो टोटल कितनी ब्रांच आपको दिखाई दे रही है, एक क्लासिकल जेनेटिक्स, दूसरी बायोकेमिकल जेनेटिक्स, और तीसरी पॉपुलेशन जेनेटिक्स। नेम से क्लियर हो रहा है, पॉपुलेशन लेवल पे हम देख लेते हैं थोड़ा सा। तो पॉपुलेशन जेनेटिक्स इज डिफाइंड एज ब्रांच ऑफ जेनेटिक्स विच डील्स विथ टोटल नंबर ऑफ जीन्स
इन अ पर्टिकुलर इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशन. व्हाट डू यू मीन बाय इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशन? एस पॉपुलेशन इज ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल जो आपस में ब्रीडिंग शो करते हैं, जैसे डॉग ब्रीडिंग शो करते हैं आपस में, ह्यूमन ब्रीडिंग शो करते हैं. तो मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ कि कोई भी इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशन में जो टोटल नंबर ऑफ जीन है, जो उसकी टोटल जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? जीन पूल कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इंडियन जीन पूल टोटली डेविएटेड फ्रॉम कैनेडियन जीन पूल, पूरी तरह से डिफर करती है. डिफाइंड एज ब्रांच ऑफ जेनेटिक्स विच डील्स विद टोटल नंबर ऑफ जीन इन अ पर्टिकुलर इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशन, दैट इज जीन पूल. इसके लिए आपकी प्लस टू के बायो में कोई सेपरेट चैप्टर तो नहीं है, लेकिन ये किस चीज को डील करती है पॉपुलेशन जेनेटिक्स, तो इसके ऊपर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नीट में आता है बेटा. एक तो ये डील करती है पेडिग्री को. पेडिग्री का मतलब होता है कि कैसे जेनेटिक हिस्ट्री आप ट्रैक करते हो, कि कैरेक्टर कैसे मूव कर रहे हैं. मतलब क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस देखें कि ग्रैंड फादर से ट्रेड ग्रैंड सन में जा रहे हैं, ग्रैंड मदर से ग्रैंड डॉटर में जा रहे हैं, तो ट्रेड कैसे जा रहे हैं. यदि मैं कहूँ कि ग्रैंड फादर इज सफरिंग फ्रॉम एनी जेनेटिक डिसऑर्डर, तो देर इज अ ग्रेट चांस ऑफ अराइवल ऑफ दैट डिसऑर्डर इन देयर ग्रैंड सन. नाना से उसके ग्रैंड सन में जाएगा वो ट्रेड, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस जिसको बोलते हैं. तो पेडिग्री भी आपकी पॉपुलेशन जेनेटिक का पार्ट है कि कैरेक्टर जाते कैसे हैं. और दूसरा इज डील विथ हार्डे विम्बल इक्विलिब्रियम. इसकी थोड़ी सी वेटेज बढ़ गई है बेटा, इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल आते हैं आपके नेट एग्जाम में, जो मैं आपको करवाऊंगी डिटेल में कि किस तरह के क्वेश्चंस आपके नेट में कवर करेगा. तो इसके ऊपर आपका न्यूमेरिकल आता है, लगभग हर साल एक न्यूमेरिकल आप देखते हैं नेट एग्जाम में, वो इसी टॉपिक से आता है, हार्डे विम्बल इक्विलिब्रियम. इसको हम डिटेल में थोड़ा सा देख लेंगे. हालांकि आपके प्लस टू में डायरेक्ट बोर्ड में कोई न्यूमेरिकल नहीं आता, लेकिन नीट में इसमें से एक न्यूमेरिकल निकलता है. टोटल वैसे भी मैं आपको बताऊं इस चैप्टर की वेटेज, जो चैप्टर 5 आज हम स्टार्ट करेंगे, उससे 4 to 5 क्वेश्चन आपके नीट में आते हैं. पहले 1 to 2 आते थे, लेकिन जब से आपकी मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट्स की वेटेज घटाई है, तब से इस चैप्टर की वेटेज बढ़ चुकी है. तो पेडिग्री आपका जो कॉन्सेप्ट है, जेनेटिक ट्री का कॉन्सेप्ट है कि कैसे ट्रेड जा रहे हैं उसके, और हार्डे विम्बल इक्विलिब्रियम कि किसी भी जीन पूल का अपना एलीलिक कॉन्स्टिट्यूशन, जो फ्रीक्वेंसी है, जो ट्रेड्स है, वो कांस्टेंट होते हैं, और यदि उसमें कोई भी डेविएशन होती है तो इट लीड टू स्पेसिएशन, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज. तो टोटल यदि मैं आपको सिंपली कहूं तो जेनेटिक्स टर्म इन्होंने पॉइंट किया बेटा बैटसन ने. जेनेटिक्स की टोटल कितनी ब्रांच है? 3 ब्रांच है, क्लासिकल. और पूरे पॉपुलेशन का जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसको क्या बोलते हैं? जीन पूल. जैसे इंडियन जीन पूल कैनेडियन जीन पूल से डिफर करते हैं, ऑस्ट्रेलियन जीन पूल से डिफर करते हैं, रशियन जीन पूल से डिफर करते हैं. तो एक इंडिविजुअल का जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है उसको हमने जीनोम कहा, और पूरी पॉपुलेशन का जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है उसको क्या बोला बेटा? जीन पूल. तो आपकी जो जेनेटिक्स है उसमें टोटल आपको होपफुली क्लियर हो गई होगी, 3 ब्रांच है. नाउ कम ओवर, फटाफट राइट करें बेटा, फिर हम जेनेटिक्स किस चीज को डील करती है? इट इज ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विथ हेरिडिटी एंड वेरिएशन. ध्यान से देखिए मैंने क्या पढ़ा, विच डील्स विथ हेरिडिटी एंड वेरिएशन. दो टर्म लिखे मैंने, ये ऐसी है ब्रांच, किसकी ब्रांच है? बायोलॉजी की, लाइफ साइंस की, जो किस चीज को डील करती है बेटा? हेरिडिटी और वेरिएशन. अभी अभी मैंने आपको बताया जेनेटिक्स की टोटल ब्रांच 3 है, लेकिन जेनेटिक्स खुद किसकी ब्रांच है? बायोलॉजी की. तो इट डील्स विथ हेरिडिटी. हाउ कैन यू डिफाइन हेरिडिटी? हेरिडिटी इज द ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेट्स फ्रॉम वन जेनरेशन टू अनदर. कि कैसे ट्रेड ट्रांसफर हो रहे हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में. और वेरिएशन क्या होता है बेटा?
यदि अभी अभी आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ के आए हैं, हालांकि आप प्रोजेनिक को सिबलिंग को देख के कह देते हैं कि आप इसमें भाई बहन है, इसके पेरेंट्स ये होंगे, कुछ शक्ल मिलती है, बॉडी हाइट मिलती है, कुछ पैटर्न पोस्चर मिलता है उनका, लेकिन क्या वो एग्जैक्टली सेम होते हैं अपने पेरेंट्स जैसे, अपने सिबलिंग जैसे? तो डेफिनेटली आंसर आएगा नो, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डेफिनेटली किस चीज को राइज करती है? वेरिएशन, और वेरिएशन इज द फाउंडेशन ऑफ स्पेसिएशन। जो भी अर्थ पे न्यू स्पीसीज ओरिजिनेट हो रही है, बेटर एडेप्टेशन गेन कर रही है वो सराउंडिंग के अकॉर्डिंग, इट इज ऑफ ड्यू टू वेरिएशन। तो हाउ कैन यू डिफाइन वेरिएशन? वेरिएशन इज डिग्री ऑफ डिफरेंस। किसके बीच में डिफरेंस बेटा? डिग्री ऑफ डिफरेंस बिटवीन प्रोजेनी, बिटवीन सिबलिंग्स, और बिटवीन पेरेंट्स एंड प्रोजेनी। ध्यान से देखें, मैंने क्या कहा? सिबलिंग्स के बीच में डिफरेंस, भाई बहन, बहन बहन, भाई भाई के बीच में डिफरेंस, और बिटवीन पेरेंट एंड प्रोजेनी कितना डिग्री ऑफ डिफरेंस है वो क्या कहलाता है बेटा? वेरिएशन। जैसे कई जगह पे आपने देखा है कि बिल्कुल भी बहुत कम रिजेम्बलेंस होती है, और कई जगह पे आपने देखा होगा कि बहुत ज्यादा रिजेम्बलेंस होती है, देखते ही बता देते हैं कि आपस में भाई भाई है, बहन बहन है। तो वेरिएशन क्या देख रहे हैं आप? डिग्री ऑफ डिफरेंस बिटवीन सिबलिंग्स और बिटवीन पेरेंट एंड प्रोजेनी इज सेड टू बी वेरिएशन। तो इन दोनों को कौन डील करती है बेटा? जेनेटिक्स डील करती है, और जेनेटिक्स का जो टर्म है वो बेटसन ने दिया था, और फादर ऑफ जेनेटिक्स हम किनको मान लेते हैं, किनको मानते हैं या किनको कहते हैं? रिगर जॉन मेंडल को। अब थोड़ा सा मेंडल के बारे में देख लेते हैं बेटा कि मेंडल को क्यों फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा गया थोड़ा सा, क्योंकि टर्म्स पे जाने से पहले मैं थोड़ा सा मेंडल के बारे में जरूर पढ़ाऊंगी। मेंडल को क्यों बोलते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स? जीजे मेंडल, पूरा नाम मैं ऑलरेडी लिख चुकी हूँ, ग्रीगर जॉन मेंडल, फादर ऑफ जेनेटिक्स। और ये जो इनको डेजिग्नेशन मिली फादर ऑफ जेनेटिक्स, ये इनकी डेथ के बहुत सालों बाद मिली बेटा, क्योंकि जो जेनेटिक्स, अब इसके ऊपर दो तीन क्वेश्चन आते हैं बेटा। एक तो जो जीजे मेंडल है उन्होंने किसके ऊपर वर्क किया, एक्सपेरिमेंटल प्लांट कौन सा था उनका? तो एक्सपेरिमेंटल प्लांट का पी प्लांट था बेटा, पी को सिलेक्ट किया था उन्होंने। किस आपके निट के ऊपर यदि मैं जाऊं तो ईयर को, ईयर का क्वेश्चन आता है बेटा कि इन्होंने कितने से कितने ईयर तक क्वेश्चन मतलब परफॉर्म किए एक्सपेरिमेंट, और किस पे परफॉर्म किए? तो ग्रीगर जॉन मेंडल का जो एक्सपेरिमेंटल प्लांट था वो था बेटा पाइसम सटाइवा। साइंटिफिक नेम है पाइसम सटाइवा किसका? अब ये लिशा होती तो सबसे पहले बोल देती पी का, क्लियर? तो पाइसम सटाइवा पी, पी प्लांट का साइंटिफिक नेम है, और इसका जो क्रोमोसोम नंबर है बेटा वो टोटल कितना है? 14, डिप्लॉयड कंडीशन में 14, 7 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम, क्लियर? तो एक्सपेरिमेंटल प्लांट उन्होंने किसको सिलेक्ट किया था? पी को। और क्यों सिलेक्ट किया था, एक क्वेश्चन तो इसके ऊपर आता है बेटा। सेकेंड, जो उनका एक्सपेरिमेंट था वो किसके ऊपर बेस्ड था, जो उनकी फाइंडिंग्स थी, जो उन्होंने कंक्लूजन निकाला जिसके बेस पे उनको फादर ऑफ जेनेटिक्स की डेजिग्नेशन दी गई, तो उनका एक्सपेरिमेंट क्या था, उन्होंने किसका जो उनका वर्क था वो बेस्ड था एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। उस टाइम पे जेनेटिक्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था बेटा, जेनेटिक्स टर्म ही नहीं थी उस टाइम पे, तो प्लांट हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट जो सबसे पहले यूज किया था वो किन्होंने किया था? मेंडल ने यूज किया था। इमैस्कुलेशन, बैगिंग, रीबैगिंग, टैगिंग, रिकॉल करें जो मैंने आपको चैप्टर नंबर 2 में पढ़ाया था, इमैस्कुलेशन, कट एंड रिमूवल ऑफ स्टेमन, स्टिग्मा को कवर कर देना बटर पेपर से जिसको हम बैगिंग कहते हैं, उनका ये जो कॉन्सेप्ट है सबसे पहले, डिजायरेबल पोलन को डस्ट करना स्टिग्मा पे और डिजायरेबल ट्रेट ऑप्टेन करना, वो सबसे पहले किन्होंने कैरी आउट कराया था? मेंडल ने। तो प्लांट ब्रीडिंग का कॉन्सेप्ट, प्लांट हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट भी सबसे पहले किन्होंने दिया था? मेंडल ने दिया था। और जो अब बात आती है कि इन्होंने किस ईयर से किस ईयर तक परफॉर्म किया था बेटा अपना वर्क, तो ये ईयर इंपॉर्टेंट आ जाता है, यू कैन राइट डाउन, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं आपके नेट में, थोड़ा सा देख लेते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो एक्सपेरिमेंट कब तक? 1856 to 63 sorry 64
1856 to 64 8 ईयर्स तक एक्सपेरिमेंट किया था, 8 ईयर्स एक्सपेरिमेंट चला था, डन एक्सपेरिमेंट ऑन पी प्लांट, 8 ईयर तक एक्सपेरिमेंट चला था। अब डेफिनेटली कुछ काम किया है तो पब्लिश भी करते थे पहले साइंटिस्ट, जैसे अब तो सब कुछ नेट पे अवेलेबल होता है बेटा, उस टाइम पे कुछ इस तरह की फाइंडिंग्स अवेलेबल नहीं थी, तो उन्होंने जो अपना वर्क है वो पब्लिश किया था लोकल जर्नल में इस ईयर में 1865 में, मेंडल्स फाइंडिंग और यू कैन कॉल इन्फरेंस रिजल्ट और यू कैन कॉल कंक्लूजन और यू कैन कॉल रिजल्ट और मोस्ट यू कैन कॉल ऑब्जर्वेशन। जो भी उन्होंने अपना वर्क किया उसको उन्होंने पब्लिश किया, किस ईयर में पब्लिश किया, 1865 में। 1856 टू 64 उनका वर्क चला बेटा, 8 ईयर तक एक्सपेरिमेंट किया प्लांट हाइब्रिडाइजेशन पी प्लांट में। 1865 में उन्होंने अपने वर्क को पब्लिश कर दिया, मेंडल्स फाइंडिंग और इन्फरेंस पब्लिश इन नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून। अब आप कहेंगे कि ये हिस्ट्री से क्या लेना देना है बेटा, तो हर एक एरिया के साइंटिस्ट की अपनी एक सोसाइटी होती थी, एक कोलैबोरेशन होती थी। जब भी वो कोई एक्सपेरिमेंट करते थे वो अपने वर्क को पब्लिश कराते थे, शेयर करते थे कि मैंने अब तक मेरी ये फाइंडिंग है, मेरी ये ऑब्जर्वेशन है, एवरीथिंग। तो जो उनका वर्क था, जो 8 ईयर तक उन्होंने बहुत ही रिग्रस हार्ड वर्क किया था प्लांट हाइब्रिडाइजेशन पे, वो उन्होंने किसमें पब्लिश कराया था बेटा, नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून, क्लियर। लेकिन जो ये सोसाइटी थी, एक तो ये मतलब बहुत ज्यादा हम कह सकते हैं कि मतलब रिकॉग्नाइज नहीं थी, लोकल लेवल पे ही ये जर्नल सर्कुलेट होते थे, तो इंटरनेशनल लेवल पे उनको कोई फाइंडिंग्स नहीं मिल पाई। तो एक चीज दूसरी कि इस टाइम पे 1865 में जो साइंटिफिक वर्ल्ड था, इट इज कम्प्लीटली रॉक्ड बाय डार्विन। डार्विन का नाम सुना होगा आपने, चार्ल्स डार्विन, जिनको हम जिन्होंने थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन दी थी, स्पेसिएशन का कॉन्सेप्ट दिया था। डार्विन फिंचेस का नाम सुना होगा आपने, या सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट तो डेफिनेटली सुना होगा। तो जब इन्होंने 1865 में अपनी फाइंडिंग्स को, अपनी ऑब्जर्वेशन को जर्नल में पब्लिश कराया, उस टाइम पे पूरा साइंटिफिक वर्ल्ड किसने रॉक किया हुआ था बेटा, किसकी धूम मची हुई थी, डार्विन की। इस वजह से भी इनकी जो मतलब बैड लक कह सकते हैं कि जो मेंडल रहे वो अनरिकॉग्नाइज्ड रहे, उनको किसी ने नहीं जाना, उनके वर्क को किन्होंने भी मतलब आप कहें कि ऑनर ही नहीं दिया, इतना हार्ड वर्क किया उन्होंने। तो 1856 to 64 डायरेक्ट क्वेश्चन आता है बेटा नेट में, 8 ईयर तक एक्सपेरिमेंट किया, 1865 में उन्होंने अपने वर्क को पब्लिश किया किसमें, नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून में। अब उसके बाद आप देख लें कि क्या होता है, उनकी डेथ के बाद 1900 में थ्री साइंटिस्ट बेटा, डायरेक्ट क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखते जाए, इसलिए मैं स्पेशल इसको मान कर आ रही हूं। 1900 में थ्री साइंटिस्ट बेटा मूव कर गए, कहां मूव कर गए, 1900 में थ्री साइंटिस्ट कहां गए, उनके लेबोरेटरी में गए और उनकी फाइंडिंग्स को उन्होंने क्या कहा बेटा, उनकी फाइंडिंग्स को उन्होंने रिपब्लिश किया। तो कौन से तीन साइंटिस्ट थे, कार्ल कोरेंस, ह्यूगो डेविस एंड एरिन वॉन टेस्मार्क। ध्यान से सुने, थ्री साइंटिस्ट उनकी डेथ के बाद कहां पहुंचे लेबोरेटरी में, कार्ल कोरेंस, ह्यूगो डेविस एंड एरिन वॉन टेस्मार्क। ये मैं आपको डायरेक्ट इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये ईयर के क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं आपके नेट में, डेफिनेटली एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 1900 में थ्री साइंटिस्ट गए और उन्होंने देखा कि जो काम करने की हम सोच रहे हैं वो पूरी की पूरी डाटा कलेक्शन, स्टेटिस्टिकल एनालिसिस, एवरीथिंग इज डन बाय मेंडल, ऑलरेडी डन बाय मेंडल, क्लियर। सब कुछ किया हुआ था उन्होंने। तो कार्ल कोरेंस, ह्यूगो डेविस, एरिन वॉन टेस्मार्क,
इन्होंने ही मेंडल की फाइंडिंग्स को, ऑब्जर्वेशन को बेटा एक शेप दी और उसी से फिर फर्दर हम पढ़ते हैं लॉ ऑफ इनहेरिटेंस और मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। हालांकि मेंडल ने कोई लॉज नहीं दिए थे, मेंडल ने सिर्फ कंक्लूजन दी थी, मेंडल ने सिर्फ इन्फ्रेंस दी थी, मेंडल ने सिर्फ ऑब्जर्वेशन दी थी, लेकिन उन सारे ऑब्जर्वेशन को फर्दर स्टडी करके जो लॉ की शेप है या पोस्टुलेट्स हैं जो मेंडल के, वो किन्होंने प्रपोज किया था बेटा, कार्ल पॉरेस। तो इन ईयर 1901 मेंडल्स फाइंडिंग्स वाज पब्लिश्ड इन द फॉर्म ऑफ मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। ये डायरेक्ट क्वेश्चन बेटा कि किस ईयर में मेंडल के लॉज जो है प्रपोज हुए थे, तो मेंडल के लॉ किस ईयर में प्रपोज हुए थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, 1901 में। हालांकि मेंडल्स ने कोई लॉ नहीं दिए थे, हम पढ़ते हैं मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, वो लॉज ऑफ इनहेरिटेंस किन तीन साइंटिस्ट ने प्रपोज किया था बेटा, कार्ल पॉरेस, ह्यूगो डी ब्रिस एंड एरिन वॉन टेस्मार्क ने। किस ईयर में किया था, 1901 में। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, ये पब्लिश किसमें हुआ था, ये सबसे पहले पब्लिश हुआ था ह्यूगो डी ब्रिस के जर्नल में, जिसका नेम था फ्लोरा, फर्स्ट पब्लिश्ड इन बुक ऑफ ह्यूगो डी ब्रिस। ह्यूगो डी ब्रिस जिन्होंने म्यूटेशन का कॉन्सेप्ट दिया था बेटा, तो ह्यूगो डी ब्रिस की बुक थी फ्लोरा, जिसमें सबसे पहले मेंडल के लॉ को प्रपोज किया गया था, हम कहें कि पब्लिश किया गया था, किस ईयर में, 1901 में। तो ये कंट्रीब्यूशन पब्लिश करने का किसको जाता है, कार्ल पॉरेस को। हालांकि तीनों साइंटिस्ट की कोलैबोरेशन है, लेकिन सबसे पहले मेंडल्स के लॉ को किन्होंने पब्लिश किया था, इन तीन साइंटिस्ट में भी मेजर किनकी कॉन्ट्रीब्यूशन होती, कार्ल पॉरेस। नाउ टाइम इज ओवर बेटा,